Hey guys, what's up? Today's our topic is how to check playback of your CCTV cameras in AWS client software. First of all, open your software. यहाँ आप देख सकते हो वर्कस्पेस का बटन है एंड देन गो टू प्लेबैक हियर. यू नीड टू सेलेक्ट योर कैमरा फर्स्ट. मैं कैमरा कोई भी सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से. फॉर एग्जांपल B1 एंड देन यू नीड टू सेलेक्ट और टाइप योर डेट. ये जिस डेट का आप अपने बैग देखना चाहते हो. सो मैं देखना चाहता हूँ 29. ओके सो टाइम इज 1:00 PM और इस चेक बॉक्स को आप अनचेक कर दें. ओके एंड देन क्लिक ऑन सर्च. ओके ट्वेल्व AM सर्च. क्या आप देख सकते हो ग्रीन टाइम लाइन एंड देन प्रेस ऑन प्ले बटन. यू कैन सी योर प्ले बैक. यहां से आप इस प्ले बैक की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं. इसकी स्पीड को एनहेंस कर सकता हूं यहां से. टीवीएस जा सकता हूं यहां से. फॉरवर्ड पॉज. यहां तक क्लियर है. एंड देन एक और चीज, हाउ वी कैन डाउनलोड दिस वीडियो, दिस प्ले बैक वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इनेबल दिस ऑप्शन. ओके देन आप इस टाइम लाइन पे जाके आपने वो एरिया सेलेक्ट करना है जिसको आपने डाउनलोड करना है. ओके ये मैंने सेलेक्ट कर लिया. यहां आप देख सकते हो कि आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन शो हो चुका है. डाउनलोड कर ले सिंपली. देन यू नीड टू सेलेक्ट योर पाथ. ओके बाय डिफॉल्ट मैं इसी को रहने देता हूँ. ओके अभी हम इस डाउनलोड को कहाँ से देख सकते हैं. यहाँ आप देख सकते हो ये एक छोटा सा एरो है, व्यू डाउनलोड लिस्ट. यू कैन सी आपका जो डाउनलोड है वो अभी यहां से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, ये प्रीवियस डाउनलोडेड है आपके पास. इन प्रोग्रेस. वेट कर लेते हैं थोड़ा सा. वीडियो काफी मतलब ड्यूरेशन काफी ज्यादा है इसलिए ये आपका टाइम ले सकता है. सिंपली आपका ये डाउनलोड फुल होगा जब तो आपका उस पाथ पे पर्टिकुलर पाथ पे जो आपने इसको अभी पाथ दिया था वहां पे आपकी वीडियो जाके सेव हो जाएगी. ओके यहां से आप इसको पॉज कर सकते हो. देन आप इसको डिलीट कर सकते हो. पॉज वीडियो को आप स्टार्ट कर सकते हो. अच्छा दूसरा दूसरी ये ट्रिका है कि आप हो सकता है कि आप मल्टीपल कैमरास का प्लेबैक एट ए टाइम देखना चाहते हो तो वो भी यहाँ से हो सकता है. ठीक है, फोर पैनल्स हैं. आप वो फोर कैमरास का यहाँ से आप इसको पैनल को बढ़ा भी सकते हो. ये देखो पैनल को आप बढ़ाते हो तो नीचे आप देख सकते हो जितने आपका यहाँ पे पैनल्स होंगे उतने ज़्यादा आपकी टाइम लेंथ भी नीचे शो हो जाएंगी, उतने कैमराज का आप प्लेबैक भी देख सकते हो. देन आपका डिपेंड करता है कि आपको राइट्स कौन कौन से मिले हुए हैं. आप एडमिनिस्ट्रेटर यूजर हो, नॉर्मल यूजर हो या एडवांस यूजर हो. ठीक है, जितने आपका लेवल आपका होगा ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपके पास राइट्स होंगे, उतने ज्यादा आप व्यू भी देख सकते हो और बाकी भी आप इसमें कैमरा वगैरह ऐड करना हो बाकी मामला जितने भी होंगे वो आप कर सकते हो. ठीक है, डाउनलोड लिस्ट को एक दफा दोबारा देख लेते हैं. 86 रिमेनिंग टाइम भी आपको दिखा रहा है. अच्छा इसमें आपको मैं एक और चीज बता दूं, एक छोटा सा इशू है जिसके ऊपर मैं काफी दिन से
काम भी कर रहा था, वो इशू ये है कि अगर आप डिवाइस को ऐड करते हो डिवाइसेस में, वो आपकी डिवाइस वो कैमरा शो होता है लेकिन आपकी लाइव लिस्ट के अंदर वो शो नहीं होता है, तो ये कंफर्म बात है कि आपके पास राइट्स नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ मेरे पास जो यूजर्स हैं। ठीक है, अब मैं जो यूजर हूँ एडमिन सीसीटीवी, दिस वन, राइट क्लिक ऑन दैट एंड देन राइट्स पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे रोल मिला हुआ है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का। तो यहाँ मैं नीचे जाता हूँ, एडवांस्ड ऑपरेटर जिसके पास होगा, ये राइट जिसके पास होगा वही इन कैमरास को प्रॉपर तरीके से ऐड कर सकता है, वही यूजर जिसके पास ये राइट्स होंगे। और जब इस अकाउंट से आप कैमरा को ऐड करोगे तो वो लाइव फीड के अंदर आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, बहुत से कमेंट्स हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि जी कैमरा ऐड हो गया डिवाइसेस के अंदर शो होता है लेकिन लाइव लिस्ट के अंदर शो नहीं होता है, तो यही वजह होती है कि आपके पास राइट्स नहीं होते हैं। जब आपका कैमरा ऐड हो चुका है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो कंफर्म बात है कि आपके पास उसके राइट्स नहीं है। ठीक है, वीडियोस के अंदर आते हैं, 96% आपकी, देन 100% हो गई। ठीक है, अब आप इसको वहां से जाके देख भी सकते हो। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।